हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बादाम बर्फ़ी, उसकी बहुत ही इजी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बादाम और उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से रोस्ट करना है। और यहाँ रोस्ट करने के चक्कर में मेरा फ्लावर पॉट का फ्लावर जल गया, बट कोई नहीं, अब यहाँ पर यह रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक जार में लेंगे और अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके साथ आप एक कुछ काजू या फिर बादाम ले सकते हैं, पिस्ता बादाम। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता बादाम यूज़ किया है। अब ये देखिए अच्छे से पिस चुका है। इसके पिस जाने के बाद अब हम इसे किसी एक अलग से प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे। और एक भी बादाम ये नहीं बचना चाहिए, तो इसलिए आप उसे अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद एक पैन लिया है, पैन में हम लोग पानी डालेंगे। जितना पानी डालेंगे उतना ही चीनी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, पानी मुझसे गलती से ज़्यादा डल गया था, एक कप पानी चला गया था, एक मग। तो आपको पानी कम लेना है और चीनी भी उतना ही लेना है जितना पानी होना चाहिए। हाफ हाफ कप दोनों डालिएगा। यहाँ पे देखिए मुझे बहुत टाइम लग गया था चाशनी तैयार करने में, और मेरी चाशनी अच्छी भी रेडी नहीं हुई थी। और यहाँ मेरी बिल्लू आ गई मुझे परेशान करने। अब चाशनी मेरी थोड़ी थोड़ी रेडी हो चुकी थी, तो जो भी मैंने मिक्सचर रेडी किया था उसमें इसको मिक्स कर देंगे। और इस तरीके से मिक्स करेंगे कि कहीं भी गांठ नहीं दिखे, अच्छे तरीके से एकदम मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए मेरे में कहीं कहीं गांठ आपको दिख रही है, वो नहीं दिखनी चाहिए, जो गलती मैं आपको बता रही हूँ। और उसके साथ दो कप दूध ऐड कर देंगे, मतलब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद उसे अच्छे से पका लेंगे। अगर मैं कम पानी डालती तो अब तक ये रेडी हो जाता, बट ज़्यादा पानी की वजह से मुझे इतना टाइम लग रहा है। आप इसका वेट करें जब तक ये जो भी बैटर है वो पैन ना छोड़ दे। देखिए धीरे धीरे मेरा हो रहा है, आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग पानी कम डालें, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेडी हो रहा है, उसके बाद इसे हटा लेंगे और इसे ठंडा करके ये करेंगे। ठंडा हो जाएगा तो उसे अच्छे से एक प्लेट लेना है, उस पर घी लगा लेना है, घी या मक्खन कुछ भी। यहाँ पर मेरा कैमरा बुरी तरीके से हिल गया था, मैंने उसे सेट किया फिर से। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया, उस पर घी लगा लेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर कर दिया मैंने। उसके बाद ये ठंडा हो चुका है, अब इसको इस पर डाल दे रहे हैं, अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर कट करेंगे। कट करने के बाद ये देखिए हमारी बादाम बर्फी रेडी हो चुकी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट है, आप लोग भी ट्राई करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।